मोदी 3.0 की तैयारी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए और उन्होंने ये बात कही कि एनडीए को एक बार फिर सरकार बनाने का मैंडेट जनता ने दे दिया है। आज लोकतंत्र के महापर्व का समापन हो गया, जनता ने जनादेश दे दिया, मोदी पर भारत का भरोसा कायम है। भले ही नतीजे बीजेपी की सीट की संख्या में कमी हुई है इन नतीजों में, लेकिन 10 साल बाद भी मोदी मैजिक बरकरार रहा। जीत छोटी या बड़ी नहीं होती है। 2014 में जिस ऊंचे मुकाम पर खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2024 में भी वहीं खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि आंकड़े बदल गए हैं। बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े तक अकेले बेशक न पहुंच पाई हो, लेकिन बहुमत उसके साथ है, क्योंकि एनडीए के पास न सिर्फ 272 का स्पष्ट जनादेश है, आंकड़ा है, बल्कि उसके आगे की करीब 25 सीट भी है जो कि एनडीए के ही कब्जे में है। देखिए, एनडीए 292 सीट पर जीत एनडीए की, वहीं अगर बात इंडिया गठबंधन की करें तो 233। और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया कि इंडिया गठबंधन को जितनी सीट आई है उससे ज्यादा बीजेपी को अकेले आई है, और एनडीए को जनादेश मिला है सरकार फिर से बनाने का। प्रधानमंत्री जब सामने आए बीजेपी मुख्यालय में तो यही बात कही उन्होंने। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है। ट्रेलर अभी तो बहुत कुछ करना है। मेरठ की ये धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। जैसे चंद मिनट में नया इतिहास लिख गया, जैसे इतिहास के पन्ने पलटे और एक दशक की राजनीतिक यात्रा फिर उसी पड़ाव पर आ पहुंची, राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर जहां से नरेंद्र मोदी का उदय हुआ। मेरठ की ये धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। 10 साल के अंतराल के बाद क्रांति वीरों की धरती मेरठ को मोदी ने चुनावी प्रचार के शंखनाद को यूं ही नहीं चुना था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने लगातार जीत की हैट्रिक लगाई थी। बतौर प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ये इतिहास रच रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मोदी नाम की गारंटी। मोदी का रचा ये नारा 24 के चुनाव का ब्रह्मास्त्र बना। मोदी का सपना भी है और मोदी की गारंटी भी है। अब देश की 3 करोड़ महिलाओं को ये मोदी की गारंटी सुन लीजिए, और 2029 में मेरे से हिसाब भी मांग लेना। ये मोदी की गारंटी है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर काम कर रहा है। 16 अप्रैल को चुनावी ऐलान से पहले ही देश भर में मोदी की गारंटी गूंजने लगी थी। गारंटी दी है, इस स्लोगन को पीएम मोदी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया था। हमारे देश में माताएं बहनें पीड़ा सहती है लेकिन परिवार पर बोझ नहीं होने देती। ये पीड़ा ये गरीब मां का बेटा समझता है, और इसलिए
आपके इस बेटे ने गारंटी दी है कि मेरी मां अब तेरा 5 लाख रुपया तक का बिल ये तेरा बेटा दे देगा, तेरा बेटा दे देगा। साथियों, मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मगर नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनमानस का अटल विश्वास महज चुनावी नारा भर नहीं, 24 के चुनाव में जनता ने मोदी के अथक परिश्रम और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा भी देखी। पहले चरण के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जो मुद्दे चुने उनसे विपक्ष को बैकफुट पर जाना पड़ा था। मोदी ने विरोधियों की उसी कमजोर नस को दबाया जिसने उन्हें पहली बार प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। ये नस भ्रष्टाचार की थी। करप्शन पर हल्ला बोलकर नरेंद्र मोदी ने पहले चरण का रुख पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में मोड़ दिया। वहीं इंडिया गठबंधन में करप्शन के आरोपों में घिरे तमाम क्षेत्रीय छत्र इस हमले का जवाब भी तलाश नहीं पाए। मैं ऐसे लोगों को डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी। जिन्होंने जनता को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। मोदी पर जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के विपक्ष के आरोपों को जनता ने कभी भाव नहीं दिया, क्योंकि करप्शन की काल कोठरी से निकला काला धन देख जनता प्रसन्न थी। न्यूज 18 के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने ऐसे तमाम आरोपों की धज्जियां उड़ा दी थी। एक सवाल और, आप इसका पट जवाब दे चुके हैं इसलिए मैं उसको संक्षेप में पूछूंगा। ऑपोजिशन कांग्रेस सब आपके पीछे कहता है कि सरकार जो है ईडी सीबीआई इंटेलिजेंस एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, आपने कहा है कि ईडी इंडिपेंडेंट है। सिर्फ एक सवाल यह है कि ऐसा देखा गया है कि 25 नेता का एक एनालिसिस एक न्यूज़पेपर ने की थी कि 25 नेता जब अपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। इस बारे में पहली बात है, एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया है। जो अदालत कहेगी वही होगा, हम कोई निर्णय नहीं, स्वतंत्र है। दूसरी बात है, पॉलिटिकल लीडरशिप के केस कितने हैं भाई? ओनली 3%। 97% अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट जेल में है। आखिर के इन संस्थाओं का जन्म क्या हुआ है भाई? अगर इन संस्थाओं का जन्म इसी काम के लिए हुआ तो काम नहीं करेगी क्या? और अदालत इतनी बड़ी है जी, किसी को जमानत नहीं दे रही है अदालत, तो अदालत देखती होगी ना भाई। और भ्रष्टाचार के मामले में हम कम से कम उसको लाइट न लेते। प्रधानमंत्री मोदी के केंद्रीय राजनीति में पदार्पण के बाद यूपी उनके लिए सबसे अधिक लकी साबित हुआ। चाहे काशी को कर्मभूमि चुनने की बात हो या फिर मेरठ से हर बार चुनावी शंखनाद करना, यूपी से प्रचंड आरंभ ऐतिहासिक नतीजों तक पहुंचने का रास्ता आसान करता गया। मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यही मेरठ से की थी। अब आते हैं उस सवाल पर कि मोदी मेरठ से ही क्यों हर बार अपने चुनावी प्रचार का आगाज करते हैं। इसके पीछे कोई टोटका नहीं, मोदी का यकीन है, खुद की मेहनत और चुनावी मैनेजमेंट पर उनकी अपनी सोच है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के लिए 100 डेज की टाइमलाइन तय की थी जिसका एक एक कदम नपा और सधा हुआ रखा जाना था। जैसे पहले दो चुनावों में मोदी करते रहे, यानी सभी पहलुओं पर सोचकर, तमाम समीकरण को समझकर जाटलैंड को पीएम मोदी अपने चुनाव प्रचार के स्टेज के लिए चुनते हैं।
2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली रैली मेरठ में की थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से ही शंखनाद किया। 2024 में क्रांति की जमीन से ही मोदी ने चुनाव का अद्भुत माहौल बनाया था। देखिए, अगर 2014 और 19 के तुलना में हम देखें तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है, ऐसा बिल्कुल कहना चाहिए। और ये जीत, ठीक है, इस पूरे प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को सेंटर में रखा गया भाजपा की ओर से, एनडीए की ओर से, और बहुत ही आक्रामक प्रचार किया गया। राष्ट्रवाद का मुद्दा जिसको लेकर बार बार कहा गया कि इस बार के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, पर यह मुद्दा था। भूतकाल को पीछे छोड़ भविष्य को संवारने का संकल्प दोहराने वाले मोदी को जनता ने जमकर आशीर्वाद दिया। वैसे भी ये अकाट्य तथ्य है कि फिलहाल मोदी के मुकाबले में कोई नहीं, न उनके जैसी रणनीति किसी के पास, न उनके जैसे ओजस्वी विचार किसी के पास, न ही मोदी जैसी दूरदृष्टि किसी के पास। इसलिए चुनावी दंगल में मोदी अकेले सब पर भारी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भले ही एनडीए सरकार ने हैट्रिक लगाई हो, लेकिन एक सच ये भी है कि इस बार मोदी के कई मंत्रियों को जनता ने नकार दिया है। अकेले यूपी की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को करारी शिकस्त मिली। अमेठी में वो करीब 1.5 लाख वोटों से हार गई। तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को भी इस बार जनता ने नकार दिया। 30,000 के आसपास वोटों से वो भी हार गए हैं। और इसी तरह कौशल किशोर, उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। कौशल किशोर को समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने हरा दिया। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे को भी शिकस्त मिली है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी में 4 केंद्रीय मंत्री ऐसे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर यूपी के नतीजों में ही हुआ है। यूपी में दो लड़कों की जोड़ी ने 2017 के कलंक को धो दिया और खूब कामयाबी हासिल की है। अपने नाम एक रिकॉर्ड भी कर लिया है जिसकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही दरकार थी। कैसे राहुल अखिलेश की जोड़ी ने चुनाव में उलटफेर किया, कैसे अखिलेश के पीडीए ने नतीजों को बदल दिया और कमाल दिखाया है, पूरी कहानी समझते हैं। हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का आता रहेगा। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। इधर ईवीएम से निकलते वोट का इतिहास लिख रहे थे, उधर दो लड़कों की जोड़ी खटाखट नया इतिहास लिख रही थी। इतिहास जिसमें दो लड़कों के हिस्से 2017 की हार का कलंक था, वो मिट गया। भले ही सत्ता हासिल करने वाले नतीजे ना हो, लेकिन यूपी में जिस तरह दो लड़कों ने कमाल दिखाया, वो विपक्ष के लिए भविष्य की उम्मीद जरूर लेकर आया है। 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देंगे। दो लड़के जो यूपी में घूम घूम कर संविधान बचाने की दुहाई देते रहे, दो लड़के, एक समाजवादी पुरोधा मुलायम सिंह का सियासी वारिश जिसने अपनी बेदाग छवि और धारदार रणनीति से यूपी में भगवा विस्तार पर बड़ा ब्रेक लगा दिया, तो दूसरा जिसे विरासत बचाने की चुनौती थी, उसने अपनी मासूमियत से जनता का दिल जीत लिया और धुल गए वो सभी आरोप जिसमें गली गली खाक छानने वाले राहुल अखिलेश पर सहजादे होने का तंज मढ़ा जाता था। मैं सपा कांग्रेस के दोनों सहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूँ। जब तस्वीरें मीडिया में आई तो कहानियां गढ़ी जाने लगी कि अखिलेश के कार्यकर्ता अनुशासित हैं। राजनीति पंडित तब तक भी ये बात नहीं समझ पाए कि बैरिकेटिंग तोड़ती ये भीड़ दो लड़कों की जोड़ी पर किस कदर फिदा है।
नतीजे आए तो बेकाबू भीड़ की तरह ही सपा और कांग्रेस के लिए वोटों की बारिश नजर आई। जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट 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 विदा। 2024 का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। उन्हीं में से एक इतिहास इस जोड़ी ने भी लिखा, जब बीजेपी 400 पार का नारा बुलंद कर रही थी, जब यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी नेता कर रहे थे, तब अखिलेश राहुल की जोड़ी जनता को ये बता रही थी कि 400 पार आए तो वो लोग संविधान बदल देंगे। कहना गलत नहीं होगा कि ये मैसेज जमीन तक पहुंचा। यहाँ पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है। इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं मिलकर एक हो जाओ। अभी 2 साल पहले की बात है, जब विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने यूपी में इतिहास रचा था। फिर 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा में पार्टी अपने टारगेट से पीछे रह गई? इसका जवाब भी दो लड़कों की जोड़ी है। दो लड़कों की जोड़ी ने ग्राउंड पर जमकर किया काम। राहुल गांधी का ग्राउंड वर्क काम आया। अखिलेश यादव अपनी मेहनत नतीजों में बदलने में कामयाब रहे। इसके अलावा कांग्रेस सपा कार्यकर्ता ने तालमेल से काम किया। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा बनाने में दो लड़कों की जोड़ी सफल रही। इन्हीं बातों के दम पर आज यूपी में ये उलटफेर सामने आया है। यूपी में विपक्ष की ऐतिहासिक बढ़त में अखिलेश की रणनीति भी खूब काम आई। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया। पीडीए में पिछड़ा, दलित और आदिवासियों की बात की गई। कहना गलत नहीं होगा कि पीडीए वाली रणनीति रंग लाई। ये समाजवादियों की लड़ाई है, अलग लड़ाई है, लेकिन गठबंधन मजबूत हो उस दिशा में हम लोग काम। 2024 के चुनावी चक्रव्यूह को भेदने के लिए अमरोहा में पहली बार दो लड़कों की जोड़ी एक साथ नजर आई, लेकिन सियासी हलचल कन्नौज ने पैदा की। बब्बर शेर जो अब एक साथ टीम में जाके शिकार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। कन्नौज की जनसैलाब ने इस जोड़ी में जोश भर दिया। फिर तो राहुल अखिलेश की जोड़ी का ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला थमा ही नहीं। 2017 की गलतियों से सीख लेते हुए सपा और कांग्रेस ने इस बार हर कदम हर दाव एक रणनीति के तहत चला। अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में सिर्फ एक रैली की, लेकिन चौथे चरण में चुनाव पहुँचते ही ताबड़तोड़ रैलियाँ शुरू कर दी। फूलपुर और प्रयागराज में तो भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दोनों नेताओं ने अवध से लेकर पूर्वांचल तक चुनाव आते आते सियासी तपिश बढ़ा दी है और काउंटिंग के वक्त वोट बनकर निकली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।